तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया भर की पांच ऐसी बड़ी खबरों के बारे में जिनके लिए जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एंड तक भी वीडियो देखते रहिए क्योंकि एंड में पूछने वाले में कुछ मजेदार पहेलियां जिसका जवाब देख के आप सारे काफी सारे ऐसे गिफ्ट जीत सकते हैं टेक मीडिया की तरफ से। तो देखते रहिए एंड हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं फाजिल मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं टेक मीडिया टुडे ऑन यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खबर जो निकल कर रही है, बिहार से दिल्ली के लिए बिहार सरकार चलाएगी ऐसी बसें, जाने किराया और समय। नए साल के इस मौके पर बिहार सरकार ने दिल्ली की बिहार की यात्रा करने वाले लोगों के लिए ऐसी बस सेवा शुरू। यह पहला मौका है जब राज्य सरकार की ओर से दिल्ली की बस सेवा शुरू हो रही है। हर दिन लगभग हजारों यात्री बिहार से दिल्ली की यात्रा करते हैं। यात्रियों के इन्वर्टर एसी बस सेवा का लाभ दिल्ली के लिए आनंद बिहार वे बस अड्डे लेकर बिहार तक मिल सकेगा। यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, शहर का हो गया प्रयागराज पर नहीं बदलेगा इलाहाबाद का हाईकोर्ट का नाम। यह मुंबई को मुंबई होने के इतने वर्षों बाद भी हाईकोर्ट का नाम अभी बम्बई हाईकोर्ट है। इसी तरह से इलाहाबाद का नाम भी बदलकर योगी सरकार ने प्रयागराज कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट का नाम नहीं बदलेगा। कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछले महीने इलाहाबाद के नाम को बदलकर प्रयागराज कर दिया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक PIL दायरा की गई है जिसके हाईकोर्ट के खारिज कर दिया। इसके बाद PIL सुप्रीम कोर्ट में भी आई है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से साफ साफ इनकार कर दिया है। बस इसी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, राम मंदिर को लेकर अब आप और प्रतीक्षा नहीं, संसद में कानून बनाकर जल्द बनाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बुधवार को कहा है कि हिंदू समाज राम मंदिर के लिए अंतकाल तक इंतजार नहीं कर सकता। सरकार को संसद कानून बनाकर मंदिर का निर्माण का मार्ग जल्द से जल्द करना चाहिए। यहाँ पे चौथी बड़ी खबर है दोस्तों, यहाँ पे निकल के आई है चौथी सबसे बड़ी खबर, ATM को लेकर आज जरूर निपटा रही है पांचकाम। ATM कार्ड, नेट बैंकिंग और आयकर रिटर्न में पड़ेगा। साल 2018 साल खत्म हो रहा है, अगर नए साल की शुरुआत सही ढंग से करना चाहते हैं तो देश के कई प्रमुख बैंकों के आयकर विभाग ने 31 दिसंबर का आखिरी तारीख कर रखी है। इस डेडलाइन को आपको आयकर रिटर्न लेकर बैंक खाते में के बारे में अगर आपने डेडलाइन से पहले काम नहीं निपटाया तो पूरा जुर्माना देना। आप यहाँ पे पांचवी खबर की बात करें तो अब इन मोबाइल पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रही है पांचवी खबर जो है व्हाट्सएप को लेकर आ रही है, अब इन मोबाइल पर बंद होगा व्हाट्सएप। कहीं आपका फोन भी नहीं है लिस्ट में तो शामिल इंस्टेंट मैसेज ऐप व्हाट्सएप जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिससे कई स्मार्टफोन व्हाट्सएप अपनी नई अपडेट्स को लेना बंद कर देंगे, जिसके बाद कोई पुराने स्मार्टफोन व्हाट्सएप के नाम और निशान तक मिट जाएंगे। 3 दिसंबर 2018 के बाद व्हाट्सएप वाले पुराने ऑपरेशन सिस्टम पर सपोर्ट कर देना बंद कर देंगे, और अगर आपका स्मार्टफोन भी इसी प्रकार के किसी ऑपरेशन सिस्टम पर रन करता है तो आपका स्मार्टफोन भी व्हाट्सएप के जनवरी में बंद हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम वो पहेली के बारे में जिसको जवाब देने के बाद जो है आप काफी सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स आप जीत सकते हैं। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रही आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहेली, तो ऐसा कौन सा खजाना है जिसे जितना ज्यादा लुटाया जाए वो उतना ही ज्यादा बढ़ता है। तो दोबारा से मैं आपको सुना देता हूँ, ऐसा कौन सा खजाना है जिसे जितना ज्यादा लुटा जाए तो उतना ही बढ़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये खबर आपको पसंद आई और इंटरेस्टिंग है, आपके लिए यूजफुल रही हो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग न्यूज आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।